नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार में मचे सियासी संग्राम के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लालू प्रसाद को लेकर के। लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी गलतियों को माफ कर दिया है, लेकिन आप हो सकता है ऐसे नए साल का ओथ मान रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि 2020 में जब सब कुछ छूट रहा है, 2020 अलविदा ले रहा है, तो ऐसे में लालू प्रसाद ने भी ये गिफ्ट दे दिया नीतीश कुमार को। लेकिन नहीं, इसमें भी कुछ राजनीतिक फायदा है। बिहार में जब चिड़िया भी उड़ती है तो कहा जाता है यहाँ भी कुछ सियासत की बात होती है। चलिए हम उसी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की माने तो उन्होंने जेल से ही फील्डिंग सेट कर दी है। फील्डिंग कैसा सेट की है और इसके बारे में, इसी फील्डिंग के बारे में हमारे बाबा ने आपसे एक खबर भी दिखाई थी, याद कर लीजिए, भारत लाइव के पुराने वीडियोज में है, वहां भी जाकर के आप देख सकते हैं किस तरह से लालू प्रसाद यादव का क्या कुछ जो है नया मंत्र मिला है तेजस्वी यादव को। ये बाबा ने पहले ही सार्वजनिक कर दी थी। अब तो ये जो है अखबारों के वही थंबनेल, वही टाइटल जो है अखबारों के पन्ने में भी दिखाई देने लगे। चलिए इसके लिए भारत लाइव का टीम का आप शुक्रिया कर सकते हैं, कमेंट में आप करते हुए। चलिए अब आते हैं खबर की ओर। लालू प्रसाद यादव ने अपने ही पार्टी में जो है दो खेमा बना दिया। खेमा कौन कौन सा? एक खेमा है शिवानंद तिवारी वाला और दूसरा है और कदावर नेताओं की। अब देखिए शिवानंद तिवारी के खेमा को क्या किया। शिवानंद तिवारी पुराने समय से जो है राजनीति करते आए हैं, बिहार की राजनीति को समझते आ रहे हैं। तो जनता दल वाला जो रिश्ता था, जो जनता पार्टी बनी थी उस समय जो रिश्ता था, उसको निभाने की जो नसीहत है शिवानंद तिवारी को दिया गया है, उसका जो जिम्मा है शिवानंद तिवारी के हाथों में सौंपा है लालू प्रसाद यादव ने। तो वो क्या कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और किस तरह से जो पुराना जो फॉर्मेट था जब बिहार में जनता दल का गठन हुआ था, तो उसको फिर से साधने के लिए और कौन सही है कौन गलत है, ऐसा बयान शिवानंद तिवारी ने भी दिया था। उन्होंने कहा भी था जब भाजपा ने जदयू के विधायकों को तोड़ा था, इस पर उन्होंने जो है हमला भी किया था, उसमें भाजपा पर उन्होंने हमला किया था। तो ऐसे में रिश्तों को साधने की नसीहत जो है शिवानंद तिवारी को दी गई है, इसी बात का जिम्मा शिवानंद तिवारी को दिया गया है। और दूसरा खेमा बनाया गया है, दूसरा खेमे में अगर बात करें तो जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी, उसके बाद अगर श्याम रजक की बात करें तो ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है अपने संगठन को मजबूत रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि अब देखिए लालू प्रसाद यादव एक परिपक्व राजनीति करते आए हैं, लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने जो है राजनीति को ढंग से जाना है। तो वो ये चाह रहे हैं कि उनके भी पार्टी यानी कि राजद में असंतोष का जो माहौल है वो नहीं पैदा हो, असंतोष का माहौल जो है वो नहीं फैले, और साथ ही साथ ये भी चाह रहे हैं कि जनता दल वाला जो पुराना फॉर्मेट है उसे जो है लालू प्रसाद यादव साधने की कोशिश में। इसकी बड़ी वजह ये मौका भी है और दस्तूर भी है। मौका दस्तूर इसलिए भी क्योंकि जो भाजपा ने जदयू के साथ किया अरुणाचल प्रदेश में, जदयू का सूपड़ा साफ करने की वहां कोशिश की, इसके बाद भले ही भाजपा पैचअप करने की कोशिश में हो, कह रहे हो कि नया साल का दर्द है और नया साल आ रहा है तो सब कुछ पुराने साल में छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जदयू से आसानी से पचा नहीं पा रही है, पचाना भी मुश्किल है। राजनीति है, जब जदयू का अस्तित्व यहाँ जो है थोड़ा कमजोर हुआ है, बिहार में कमजोर हुआ है, विधायक कम जीत करके आए, वजह चाहे जो भी रहे हो, लेकिन अगर वहां भाजपा उनके साथ ऐसा करती है तो जदयू को तो दिक्कत होगा। और नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जो है सार्वजनिक तौर पर दिखा चुके हैं। राजीव रंजन सिंह है, प्रसाद हैं जो प्रवक्ता है जदयू के, वो भी सार्वजनिक तौर पर अपनी बातों को रख चुके हैं। तो भाजपा जदयू के बीच दरार है और इसी का फायदा जो है लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं उठाना। और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, उन्होंने एक और हिदायत दी है, एक और जो नसीहत दी है अपने परिवार के सदस्यों को, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से लिखे लोग आते हैं जो करीबी लोग हैं लालू प्रसाद यादव के, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है जिस मूल मंत्र के बारे में बाबा ने करीब एक सप्ताह पहले ही चर्चा कर दिया था और ये तो आप अखबारों के मुख्य पन्ने पर भी आने लगे हैं, वही मूल मंत्र, वही थंबनेल, वही टाइटल। चलिए बताते हैं, मूल मंत्र दिया था कि आप नीतीश के प्रति जो है सॉफ्ट हो जाइए और यही बात कर भी रही है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और इस तरीके के लोग जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी हैं, सभी जो है खामोश हो गए हैं नीतीश कुमार पर। वो लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, बीजेपी की नीतियों पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो राजद के लोग हैं सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं। खबर तो यह भी है कि
यूडीए यूडीए और यूपीए में जो है फिर से जो केंद्र का जो गठबंधन बना हुआ है उसमें नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर के भी लालू यादव ने अपना प्लान सेट कर दिया है। और एनसीपी के जो नेता है शरद पवार इसकी शायद अगुवाई भी कर सकते हैं, लालू प्रसाद नहीं करेंगे लेकिन एनसीपी के जो अध्यक्ष है बराबर नेता है शरद पवार वो इस बात की अगुवाई कर सकते हैं, नीतीश कुमार को यूपीए में लाने की कोशिश हो सकती है। और इसी के लिए लालू प्रसाद यादव हर जगह जो है चौतरफा अपना फील्डिंग सेट कर रहे हैं, चौतरफा इक्का जो है सेट कर रहे हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव राजनीति में परिपक्व है, वो जान रहे हैं कि जदयू और भाजपा के बीच जो रिश्ते का जो दरार हुआ है वो आसानी से नहीं भरने वाला है। और इसी में चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि पुराना जो फॉर्मेट था उसमें नीतीश कुमार जो है वापस आ जाए और उसके बाद जो है नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाए। इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव जो है जैसा निर्देश दे रहे हैं उसी के अनुरूप सारा काम जो है हो रहा है। तो इसी के साथ एक बड़ी बात है जो सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने अपना जो है प्लान दे दिया है, प्लान सीट दे दिया है और नीतीश कुमार को साधने के लिए, नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी चाल जो है आगे कर दी है। अब शतरंज है, कौन सा मोहरा कितना सटीक बैठता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात आगे कर दी है तो नीतीश कुमार शायद हो सकते हैं, इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि झटका जो है, एक कहावत याद है आपको, एक वायरल भी वीडियो हुआ था, दिल से बुरा लगता है। इसी स्थिति में नीतीश कुमार दिल से बुरा लगता है भाई, भाजपा को लगातार कह रहे हैं और भाजपा है जो, चलिए एक और बड़ी बात इसके साथ ही बता ही देते हैं आपको, ये बात और तब ज्यादा पैनिक हो जाएगी बिहार में, सिचुएशन और तब पैनिक हो जाएगी, जो दरारें हैं और बढ़ जाएगी जब जो रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं, हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, एलजेपी के प्रमुख है फिलहाल, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे देगी भाजपा। और इसके बारे में हमारे सूत्र जो है इस बात का दावा कर चुके हैं कि बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जो है उन्हें पद मिल सकता है, लोजपा को गठबंधन में शामिल कर लेगी बीजेपी और जो केंद्र में एनडीए का जो गठबंधन है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार का रुख जो है अचानक से बड़ा हो सकता है, एक बड़ा कदम के रूप में नीतीश कुमार आगे बढ़ सकते हैं, नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक नीति में एक नया अध्याय जो है जोड़ सकते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत कुछ बदलने वाला है, हवाओं का रुख भी बदलने वाला है। चलिए मनाइए नया साल मनाइए, लेकिन राजनीति का भी नया साल आने वाला है। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।